बंदे सिर्फ दो बात कहने की जरूरत है कि अगर इलाके को भविष्य बढ़िया देखना चाहो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वोट दो, और अगर नई पीढ़ी ने खत्म करना चाहो तो फिर भाजपा ने वोट दो। हम मान के चलो जो बीजेपी की सरकार बने तो 100% नशे बेचने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कौन बढ़ जाएगी? अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को राज बन गया तो फिर 24 घंटा के अंदर अंदर नशे के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। थाना बधाई जो भी बात की कि थे थारा गांव ने 90% नहीं 98% जोड़ रखी है, ना अभी रामपुरा ढिलो हो गया है। रामपुरा ढिलो भी मान के चलो कि 95-98% गांव आ चुके हैं, इकट्ठे है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संघ है। आड़ो गांव तो बड़ो है, तो 100% के तो जोड़ पा रख नहीं जोड़ पा, लेकिन थारो छोटो गांव है 600% जोड़ सको। अच्छा जोड़ लोगा तो पारा बोर्ड लगा दी हो क्या जी हमारे गांव में भाई दूसरों कोई वोट मांगना हो वन लगे अब कड़े गुड़िया गांव सके कई गांवों का कंपटीशन है। हमेशा गुड़ी और 95-98% एक तरफ भूलते हैं। मेरा आज भी वो दिन याद है जब बाई इलेक्शन हो भूपेंद्र सिंह हुड्डो चीफ मिनिस्टर हो गुड़िया गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डो खुद हुडांगे ग्राम पे हो और जाके कहने लग गया कि थारो हमारो तो भाईचारो है, अरे मेरे कण अब कल कांग्रेस के प्रत्याशी ने वोट दे दिया। वहां लोगों क्यों भी भाईचारो है, रोटी खा रह तेरी हर किस्म की सेवा कराना, लेकिन वोट जो है मारो फैसलो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के पक्ष में जाना। वोट क्यों देंगे एक बड़ो कारण है, नई पीढ़ी के बच्चा ने आ बात समझनी बहुत जरूरी है। वो जो कोई इलाको है आपको सारो ये इलाके में अगर चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर नहीं बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर नहीं बने, तो आज भी मान के चलो कि थरट है कोई परमात्मा की मेहरबानी हो वो करा तो भाई थर कोई फसल हो सकी, अदरवाइज थे बिरानी भी बैठा रहो और सारा इलाको बिरान हो। अगर कड़ी पानी लागे थाने दियो तो या तो चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लागे दियो को लागे दियो है, पिंड ने पानी को नहीं, कोई सड़क बनाई स्कूल बनायो कोई वाटर वर्क्स बनायो और कोई नहर को पानी लागे दियो तो केवल और केवल चौटाला साहब जीते नहीं, क्योंकि आज भी हर बड़ो बुजुर्ग से कोई बात न समझे, नई पीढ़ी का बच्चा ने भी चीज को पता होना चाहिए कि मारो जो को भविष्य बना रहा मानो जब नहर आई तो हर खेत के बाद पानी लग गया और इन्हीं की वजह हर घर में नौकरी तो लगा नहीं लगा, लेकिन एक पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि नौकरी की जरूरत नहीं है घरों काम चालू हो गया। अब अगर चाहते हो कि और ज्यादा खुशहाली आवे कल रोजगार मिले नौकरी मिले बड़े बुजुर्ग को मान सम्मान बढ़े किसान को कर्जो माफ हुए बहन बेटियों की शादी में 5-5 लाख रुपया कन्यादान ना मिले, अगर से चाहो कि हर घर में एक रोजगार और नौकरी मिले तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चुनाव निशान अलग पर मोड़ लगा दिए। अब कड़े जो राजमंडल है आज का जो हालात है, पिछले 5-6 दिन में भारतीय जनता पार्टी जो कि 75 पार की बात करे मेरे को ग्राफ गिरिया हुआ है कौन गिरा हुआ है लगातार ग्राफ गिरने लग गए, ये करके गिरे कि लोग राज दुखी हो गया परेशान हो गया, व्यापारी परेशान है कर्मचारी परेशान है किसान परेशान है
पटना बच्चा भी दुखी परेशान है। पिछले दिन कलर्क की भर्ती को एग्जाम 15 लाख बच्चा हरियाणा प्रदेश का 300-300 मील जाके पेपर दे गया है। गांव के में 10वीं 12वीं का स्कूल है, स्कूल में अगर गांव का बच्चा जाके आपके सेंटर में एग्जाम दे गया तो बंद कोई नकल थोड़ी खराब है, लेकिन जान बूझ के बना सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बजाय बारी खतर बना दिया कि रोडवेज को फायदा हो जैसे। रोडवेज ने तो नफो योग नहीं हो, 18 नौजवान बच्चा जो कहे एक्सीडेंट में हो गए और मौत का घाट उतर गया। साफ तो ईशर जो आपके माँ बाप की इकलौती उला दी, केवल इस सरकार की गलत पॉलिसी की वजह तो किसी किस्म का हालात पैदा हो जाए। ज्यादा बात तो थाने में 19 तारीख ने बताऊंगा। आज तो थारो धन्यवाद व्यक्त करना आयो, थारे चुनाव की हाजिरी लगाना आयो और 19 तारीख को निमंत्रण देना आयो। 19 तारीख ने एक बड़ो जलसो रखे ना सुधरी चौट है, वे मैं अपने गांव सारा का सारा ही हो, जो सारो गांव आशी तो मान के चलो वो शेड है जो छोटो पड़ जाएगा। शेड छोटो पड़ जैसी बटा हजारों की संख्या में भीड़ कर देगा तो बीजेपी कांग्रेस वाला कान के ऊपर जुत्ती रख के सोचेगा फेंक नहीं हालेगा। हर चुनाव के बाद चुनाव को आखिरी दिन जो प्रचार को भी रैली करेगा और फिर रैली को ईश्वर जैर चले लोगों पर कि विरोधी तो 100% निराश हो जाए और अपने पार्टी भर कार्यकर्ता मजबूत हो जाए। एक काम और करना पड़ेगा था ना भाई, इलेक्शन में करे भी हो गांव में पहले तारी तीन कर दी और फिर वही बात को लगाएंगे कोई पीछा नहीं बांट जाए, कोई गरीब को ईमान धर्म न खरीदी, अब कल फिर पैरों देना पड़ सके। एक कच्छड़ा बहुत बदमाश है, उठे ना वो आगे पे जाए, आज जिम्मेवारी भी थारी हो सी, कोई किडर ठंडे खान चौधरी की गाड़ी आ जाए, अगर कोई दारू बांटने की कोशिश करे, कोई सारे गांव में पीछा बांटने की कोशिश करे तो बटी डाली, बाकी मैं पीछे मार दूंगा। थारी तो रोटी खाई पी जरोगी हो सी तो थारे की ताक में हो, मान के चाल आज थारी और रोटी और चक्कर में नाश्ता भी कौन करे, तो थारा रिवाज है कौन रोटी को। धन्यवाद थारा।